नमस्कार, अविलासा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिहार और यूपी की फेमस लिट्टी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैंने फ्राई करके बनाया है, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। एक एक स्टेप को आप देखिए, मैंने कितनी आसान तरीके से ये रेसिपी आपको बताई है। चोखा की रेसिपी मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं लिट्टी को कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है और इसमें ऑयल डाला है। ऑयल यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। आप चाहें तो इसमें अजवाइन डाल सकते हैं, लेकिन हम आगे स्टफिंग में भी अजवाइन डालेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अजवाइन का यूज़ नहीं किया है। दोनों हाथों से इससे नमक और ऑयल को हम इस आटे में अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, जब हम ऐसे मुट्ठी बांधते हैं तो हल्का सा ये बंधा सा दिखता है, बस इतना ही हमें इसमें ऑयल डालकर इसे मैश करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम एक डो तैयार करेंगे। पानी हम एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें रोटी के आटे से सख्त आटा गूंथ कर तैयार करना है। ये जो लिट्टी हम फ्राई करके बनाएंगे ना, जब आटा सख्त होगा तो ये अच्छा क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, इतना सख्त आटा हमें चाहिए, है ना, ये रोटी के आटे से ज़्यादा सख्त। अब चलते हैं इसकी स्टफिंग बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे सत्तू लिया है, सत्तू मैंने 1 कप लिया है और 1 ऑनियन को मैंने यहाँ पे बिल्कुल चॉप करके डाल दिया है। इसके साथ ही हरी पत्तियाँ ली हैं मैंने धनिया की। दो लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 हरी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ नींबू का रस डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। इसके साथ ही चाट मसाला मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे आम के अचार का ये मसाला डाला है। ये आप डाल के एक बार देखिए, स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है और अजवाइन 1 टीस्पून क्रश करके हाथों से डाला है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले हाथों से। आम के अचार के मसाले की वजह से ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपको। अब इसे भी हम थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत सूखा सूखा नहीं होना चाहिए और नहीं गीला होना चाहिए। गीला अगर हो जाएगा तो फिर हमारी स्टफिंग अच्छे से स्टफ नहीं हो पाएगी और सूखा रहने पर भी ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरह की हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, हाथों से उठ जा रहा है ये हमारा। अब चलते हैं हमें इसे आटे में भरने के लिए। यहाँ पे आटे को हमने तैयार करके रखा हुआ है, अब इसकी हम लोइयाँ काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा टाइट आटा है हमारा, इस वजह से ये बहुत ही अच्छा छन कर तैयार होगा। छोटी छोटी लोइयाँ हमने इसकी तैयार कर ली है, आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी लोई ले सकते हैं, जितनी बड़ी आपको ये लिट्टी बनानी है। मैंने हल्का सा इसमें सूखा आटा लगा लिया है और अब हम इससे ऐसे कटोरी की शेप देंगे। मुझे उम्मीद है आप सबों को स्टफिंग करने आती ही होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इसके अंदर मैंने इस सत्तू की जो स्टफिंग बनाई है इसे डाल दिया है। ये सत्तू आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। देखिए, स्टफिंग को अब हल्का सा ऊपर से दबाते हुए हम ऊपर से बंद कर देंगे। ये जो ऊपर थोड़ा आटा निकला था उसे भी मोड़ के हम इस पे चिपका देंगे। एक और प्रोसेस देख लेते हैं स्टफिंग की। फिर से मैंने इसे कटोरी का शेप दिया और इसके अंदर ये स्टफिंग भर दी। फिर से इसे ऊपर से दबा दिया और ये हमारी दूसरी लिट्टी भी तैयार हो गई। इसी तरह हम सारी लिट्टियों को भरकर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे
भर लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे मीडियम हीट गरम किया है, बहुत ज़्यादा इसे तेज़ गरम नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन लिट्टियों को हम एक तरफ से अच्छा लाल होने तक सेक लेंगे और ये देखिए इसे पलट लिया हमने, एक तरफ से अच्छा कलर आ गया है तो हमने इसे पलट लिया है। दोनों तरफ से पलट पलट कर हम इसे अच्छा कलर आने तक फ्राई करेंगे। एक बार मैंने इसे पलट दिया है, अब थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना, दोनों तरफ से मैंने इसे पलट पलट कर अच्छा से फ्राई कर लिया। देखिए कितने यमी दिख रहे हैं, कितने कलरफुल। बस अब हम इन्हें किचन ऑयल के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप इन्हें नाश्ते में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, सफ़र के दौरान भी आप इसे ले जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। देखिए कितने यमी हमारे ये लिट्टी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे मैंने टमाटर की चटनी, मिक्स चोखे और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत ही ज़्यादा यमी है। चोखे और चटनी की रेसिपी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, प्लीज़ आप लोग उसे भी देखिएगा। मुझे उम्मीद है ये बहुत ही टेस्टी और यमी सी लिट्टी आपको पसंद आई होगी और आप जल्दी ही इसे अपने घर में बनाएंगे। तो कब बना रहे हैं आप इसे मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।